काफी क्रिएटिव जिहड़ा ज़हन है तुहाडा, बड़ा ज़हन तुहाडा काम करदा है माशाल्लाह। ते ऐ दसो जनाब ऐ की चीज़ है? मतलब मिल जाती जिन्ना कोई वेट उठाना चाहते भी कर सकते ज्यादा भी कर सकते प्लेटा घटा वधा के। अच्छा ते बूटा भाई सानू चलो बाकी चीजा ठीक हो गई, ऐ दसो ऐ लकड़ियां तुसी कित्थों तलाश कीतियां ने असलां दियां? ऐ लकड़ियां साजी साडे विलेज दे विच तुहानू पता है देसी टाइप जिहड़ा ना बहुत ही ज्यादा तुहानू दरख्त मिल जांदे ने, काफी ज्यादा तुहानू दरख्त मिलदे ने साडे पिंड ते साडे पिंड चों जी वी ज्यादा ने, साडा छोटा जिहा पिंड है और इलावा च काफी ज्यादा जो है ना दरख्त ने। ते सब तो पहला मैनू जिहड़ा ना ढूंढने पैंदियां लकड़ियां जिन्हां दे अगे फांग बनी होए, जिन्हां दे उत्ते कोई चीज आके रुक जाए। अगर ऐसे मैं किल वगैरह या कोई चीज़ ला के असरा करना हाँ तो वो जो वजन है जो बंदा सुटदा ना वो टुट भी सकता है, लेकिन यह जी चीज़ मैं ध्यान ना देखियो देखो ना कुदरती मतलब कि उत्तू जरा जितू जितू मैं कलूबड़ी तू या कोई भी चीज़ मिली मैं जनाबदारी लैके जरा ना मैं उन्होंने जड़िया ना ला के लैके दरख्तों भी काफ़ी ज्यादा की है दूसरे तरीके लोहे का हर चीज लोहे की तैयार की होंगी है, लेट के जो लाने वास्ते चीजा सारिया लोहे दियार की जो भी आसन टाइप असि जनाब है सर देसी कन्वर्ट किया, देसी च कन्वर्ट करके ऐ मिट्टी की जनाब असी बेंच बनाया लेटने वास्ते, ऐ फांगा बनाइया ने उतने स्टैंड वास्ते, ऐ चीज़ा जड़ियाँ ने बिल्कुल सुकून ईजी हो के वर्कआउट चेस्ट वास्ते करो तो वर्कआउट करने तो बाद ऐ दे उत्ते जड़ा ना रख सकते देसी टाइप है मतलब कि साढ़े पेंडुआ वास्ते जड़ा ना चीज़ भी बेस्ट है बिल्कुल उन्होंने त्री लैवल दे चीज़ ज़्यादा बेस्ट गिनी जाती है, क्योंकि साढ़ा देसी जो वर्कआउट है ना ऐ उन्होंने नालों काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अहमियत रखता है। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, देसी खुराक तो देसी वर्कआउट है, पिंड का माहौल है माशाल्लाह बहुत ही जरा प्यारा लग रहा सारा कुछ। तो यह चीज़ जनाब दसो है की है पींग बनाई बच्चे वास्ते की चीज़ है? जिम दे विच जरा ना ट्राई वास्ते जरा ना सेट ना बनी होंगी जिम दे विच यह चीज़ बनी होंगी है कि जी सारी रस्सी लाई है ना इस जगह तो उत्ते तार लगी होंगी है जिते असी लकड़ी की लाई रही है ना डंडा छोटा, इस जगह तो उन्होंने लोहे का राड़ लाया डंडा छोटा जी उत्ते फिरकी चलती भी है उन्होंने लोहे टैप की या कोई भी मतलब प्लास्टिक जो उन्होंने जिम के बनी होंगी मशीनों उन्होंने एडजस्ट की होंगी चलने वास्ते घूमन वास्ते, तो ये वास्ते जिन्ना मैं साइकिल का जरा बैरंग विचला लैके तो तैयार किया देसी साइकिल का बैरंग लिया तो पूरा देसी जगाड़ लाया थली साइड से उत्ते प्लेटा होंगे ना जिम च बनिया तो असं यार वास्ते बाल्टी रखी है तो बाल्टी च मट्टी रही नाल है तो जरा कुछ वटे भी वगैरह रखा जे किसी से ज्यादा दोस्त ने किसी ने ज्यादा डालना होते होर वटे पाई जाए तो जनाब की वजन भी ज्यादा हो जाए। की चीज़ है जनाब है खाली हाँ जी जिन्हों को मतलब कि लम्मा के डंड जिन्होंने अं देसी जबान च बोल करके क्या बात है जनाब थोड़ी नाल कसरत भी करवाई जा रहे हैं ते नाल चीज़ां देख रहे हैं ते ऐ प्लेटां खाली पईयां ने ऐ प्लेटां ओ सेम ओही चीज़ उत्थे भी यूज़ हो सकदियां ने जिन्हां इधर तां रखियां ने इधर वास्ते नहीं शोल्डर दी इस वास्ते नहीं यूज़ करने हैं मतलब इस तरीके नाल ठीक हो गया। ये टायर ने पे दे ते इहनां दा की इत्थे कमाल है दसो जरा टायर दा कमाल पहला फर्स्ट मेरी वीडियो च ते मैं इहनां नूं बन के तोड़दा रहा नहर से बन चला जाना पिछे रस्सा बन के लक दे विच बन के जनाब ना वर्कआउट से नाले लत्तां दी गेम वर्कआउट वास्ते बहुत ही बेस्ट जरा एक्सरसाइज एदा 45 kg वेट है तो हूँ जिम के जरा लक ते रख के थले पुशअप लगाई जाते जनाब हूँ एक दो ही आइटम रह गई है तो मैं बड़ी अजीब लग रही है की चीज़ है भाई जी आ पत्थर है आ तुसी देखिया है अक्सर खाड़ियां दे विच जरा साडा देसी गै माहौल है समझ लो खाड़ा टाइप ही चीज़ है एदा सा जी 100 kg वेट है देखा जी 100 kg वेट है एदा ये देखने को ऐसे लगता है कोई भी लड़के इधर आते हैं पहले देखते हैं कि ये तो यार बहुत ही छोटा है ये तो मैं उठा लूँगा लेकिन इसका वजन है ठोस जिसको बोलते हैं कि इसमें कोई फोक वगैरह नहीं है ये देसी जबान में हम इसको बोलते हैं निगर वजन है
ठीक है। इस चीज़ का यार निगर वजन है, बड़े निगर जी चीज़ है, बड़ी वजनी है यह जो ना ए पूरा का पूरा पत्थर है, लेकिन यह चुकन लगे बहुत ही मुश्किल होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्त आते भी ने वर्कआउट वास्ते चुकते भी ने। समझ लो मतलब ज्यादा वजन लेके हाथ ना रख लियो, कोई आइटम ही ना बना लियो अपनी, तो अगे आ जाओ अगली आइटम से आ जाओ। आ रही चीज़ है जनाब, यह की चीज़ है जनाब तुम जी बनाई है? सारा बॉक्सिंग वास्ते है, मैं वर्कआउट की है, वर्कआउट के एंड अक्सर तुम्हें देखिए जिमा के ना वो मुकर टाइप जो मार के चीज़ा जी वर्कआउट वास्ते बनाने, ये जनाब असी घोड़ा पाया रहा, तो नाल थोड़ी जी मट्टी पाई दी है, तो यद वेट तकरीबन जरा ना 25 kg जो है ना। अच्छा माशाल्लाह बूटा भाई बहुत अच्छा लगा तो सारा विजिट करके ना, देख के तुहाडा अखाड़ा टाइप देसी जिम है, तो माशाल्लाह हर चीज़ तुम बड़ी खूबसूरती ना बनाई दी है, तो वेखन वेखन तू जरा तिलक रखती है, कोई भी बंदा इतने आता तो जरूर इन्हू देखेगा। तो तुम यह दसो कि अपना सारा कुछ चीज़ा भी देख लिया ने, तो हूँ तुम मैं एंड तो दसो कि टाइम लगा तो तकरीबन कि खर्चा आया? ऐसे तो तकरीबन जरा सर साढ़े 1.5 to 2 months लगे ने, खर्चा तो कोई एडा ज़्यादा रे तो आया कोई नहीं, क्योंकि हर चीज़ जरा ना सू विलेज के लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, दरख्त बहुत ज़्यादा होंगे ने कि तू भी लकड़ियाँ ऐसा सीधिया वगैरह देख के जोड़ा जरा निज़ाम ईजी होकर चल सके, जिन्हिया भी लकड़ियाँ ने सारिया तकरीबन मैं जमीन 1.5 to 2 feet दबाइया वगैरह, थोड़ी डिगन भी ना अगर वजन उत्ते बंद पिया है तो हिलन भी ना, उस लैवल बनाइया ने, तो काफ़ी ज़्यादा साढ़े पिंडा के दरख्त होंगे ने, दरख्तों तो तुम लकड़ियाँ देख के तो बना सकते हो, तो अगर किसी दोस्त को मतलब कि साड़ी हैल्प की भी जरूरत हो तो वो जरूर असं और वास्ते हाजिर होवे। तो और तो बाद जो खर्चा साढ़ा आया सर वो बहुत ही कम आया, तकरीबन 10,000 टोटल जरा खर्चा, सिर्फ 10,000 बहुत थोड़ा खर्चा, तो मसले एडा सोना तो माहौल बना लिया, टाइम थोड़ा इसको ज्यादा जो है ना मेहनत में करते टाइम ज्यादा लग गया, क्योंकि ये देसी टाइप है, इधर जो भी चीज़ भरनी होती थी उसको भर के रख देते थे, 2-3 दिन सूखते लग जाती थी, तो उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट दूसरी चीज़ सब जो भी मैंने मेरे चैनल पर ना सब चीज़ें जो है ना एक स्टेप बाई स्टेप जो है ना मैंने बना के दिखाई हुई हैं हर चीज़ का, उसको किस तरीके से उसका लेवल करना और किस तरीके से आपने उसे भरना, वो मैंने अपने चैनल पर जो है ना अपलोड की हुई है। जी नाज़रीन, इनका एक अपना चैनल भी है यूट्यूब, ठीक है, उसी चैनल के लिए इनको एक जिम की जरूरत पड़ी थी, तो उसके लिए इन्होंने अपना खुद का जिम बना लिया है, इनके चैनल का नाम है विलेज एंड फिटनेस, आप इनके चैनल को जरूर विजिट करें, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इनकी वीडियोज जाके देखें, माशाल्लाह बड़ी कमाल की वीडियोज इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा एंड में बूटा भाई हमें आप ये बताएं कि यूथ के लिए जो नौजवान लड़के हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई जरूर, जो भी हमारे नौजवान लड़के हैं जो नई पैदाइश जिसे हम बोलते हैं, हम पेंडू टाइप हैं जो इसके नई पैदाइश बोलते हैं, कि जो हमारे छोटे हैं, हमारे से छोटे भाई हैं या हमारे लेवल के जो भी भाई हैं, उनके लिए तो बहुत ही जो है ना मैं एक पैगाम देऊंगा कि कोई भी इंसान अगर कोई भी काम है ना उसकी कोशिश करते कोशिश में लगा रहे तो एक दिन उसकी कामयाबी का जो है ना कामयाबी मिल जाती है, लेकिन जो भी इंसान मेहनत और कोशिश करता है तो अल्लाह भी उसका साथ देता है, तो अगर हमारी ज़िंदगी में हमारी एक मंजिल होनी चाहिए, जैसा कि मैंने ये जिम बनाने में एक मंजिल चुनी कि यार मैंने ऐसी एक जिम तैयार करनी है और अपने व्यूवर्स या अपने देखने वाले यूट्यूब पर जो उनको बताना है कि यार आपने देसी जिम ऐसे बना के आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हो बजाय किसी जिम में जाने के, इधर किया तो एक या दो लड़के पैसे लगाएंगे थोड़ा मेहनत करेंगे तो 40-50 लड़के जो है ना वो वर्कआउट कर सकते हैं। ये थे हमारे बूटा भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम भी दिया इन्होंने, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक दफ़ा फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और दोस्तों में आगे शेयर भी करें। जी बहुत अच्छा लगा बूटा भाई, वंस अगेन थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।